द फोसिट में बहुत बहुत स्वागत है। और एक अपडेट जो है वो बहुत ज़रूरी है बताना, क्योंकि स्मार्ट सिटी आज हमने पूरा दिन देखा ही किस तरीके से बारिश हुई और स्मार्ट सिटी के सारे जो है पोल खुल के सामने आ गए। मगर आज श्रीनगर में आज मनोज सिन्हा साहब ने जो है स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स का जो है इनॉग्रेशन किया है, श्रीनगर के स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स। और सारा फोकस इस समय जो है मनोज सिन्हा साहब का जो देखने को मिल रहा है वो भी श्रीनगर मिल रहा है। मैं क्यों ऐसे कह रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ। मैंने हैशटैग डाला है माई श्रीनगर ऐप और इसी तरीके का एक ऐप जो है वो लॉन्च हो गया है। सभी लगभग सभी सोशल मीडिया पे आपको ये न्यूज़ फॉरवर्ड हो रही होगी कि माई श्रीनगर ऐप करके एक ऐप जो है वो आज मनोज सिन्हा साहब ने जो है वो लॉन्च किया है। और श्रीनगर की रिलेटेड 40 डिपार्टमेंट्स या आप कह लें 40 ऐसे सर्विसेज जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, इंपॉर्टेंट हैं, वो क्लब करके उस ऐप में रखी गई हैं। चाहे वो टूरिज़म से रिलेटेड हो, चाहे वो जम्मू चाहे वो श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से रिलेटेड हो, ये सारी सर्विस जो हैं वो आपको माई श्रीनगर ऐप में मिलेंगी। और अगर मैं कुछ सर्विसेज का अगर जिक्र कर दूं तो सर्विसेज जो हैं वो सीधा सीधा जो है कह रही हैं कि 20 श्रीनगर म्यूनसिपल सर्विसेज जो हैं वो उस ऐप के अंदर हैं और 40 डिपार्टमेंट्स की सर्विसेज जो है वो उस ऐप में जो है क्लब की गई है। उसके अलावा अगर आपको पार्किंग लगानी है 100 के करीब फोर व्हीलर व्हीकल्स की जो है पार्किंग उपलब्ध जो है आपको बता देगा वो ऐप की, कहाँ जो है स्पेस खाली है, आप कहाँ पे पार्क कर सकते हैं और कहाँ पे आप नहीं पार्क कर सकते हैं, वो सब जो है एक उस ऐप के थ्रू जो है वो हो जाएगा। अच्छा इनिशिएटिव है और कभी भी जो है जम्मू को खासकर जो है इससे कोई प्रॉब्लम नहीं रही है कि आप श्रीनगर में कितना दे रहे हैं, किस प्रकार दे रहे हैं और कैसा दे रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी वाटर कनेक्शंस की बात की जाए वो भी उसी ऐप के अंदर सर्विस मौजूद है। और ख़ासकर टूरिस्ट रिलेटेड जो गाइडेंस है या हेल्प है वो उस ऐप के रिलेटेड मौजूद है। मैं सारी उसकी जो है खूबियाँ आपको बता रहा हूँ इस टाइम। और काफ़ी पैसा भी जो है ऐप पे खर्च हुआ होगा क्योंकि एक ऐप बना है और ऐप पे जो है पैसा खर्च होना लाजमी है, टेक्निक है उस पर पैसा खर्च होना लाजमी है। मगर एक सवाल, यूटी बना जम्मू कश्मीर और कहा गया कि अब भेदभाव नहीं होगा। सोर्सेज के हवाले से ये भी खबर है कि कुछ दिनों में जम्मू ऐप करके भी आ जाएगा, कोई एक ऐप जो है माई जम्मू करके भी आ जाएगा। मगर सवाल ये है कि हमेशा शुरुआत जो है वो श्रीनगर से क्यों? बात की जाए अगर डिलिमिटेशन कमीशन की, वो पहले श्रीनगर जाता है। बात की जाए अगर एम्स मिलने की, बात की जाए या कुछ और बढ़िया मिलने की, तो वो पहले श्रीनगर जाता है बाद में जम्मू आता है। ये शुरुआत जम्मू से क्यों नहीं? अगर इस ऐप की ही बात की जाए तो पूरा देखा जाए 40 सर्विसेज रखी गई हैं, उसमें से 20 सर्विसेज म्यूनसिपल्टी को लेकर रखी गई हैं और टूरिज़्म को सेक्टर को ध्यान में रख के ये ऐप बनाया गया है कि जो भी टूरिस्ट आएंगे वो इस ऐप का अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर लें और उनको ईज़ मिले। मगर जब कोई यात्रु जो है वो पहुँचता है जम्मू कश्मीर में तो वो पहले कहाँ पहुँचता है? मैक्सिमम, पिछली बार भी मैंने आपको एक वीडियो की थी और कहा था कि मैक्सिमम यात्री जो हैं वो ट्रेन के थ्रू आते हैं और ट्रेन के थ्रू पहले वो जम्मू में पहुंचते हैं और उसके बाद फिर वो आगे ट्रैवल करते हैं। और अगर पहले वो जम्मू में पहुंचते हैं तो माई जम्मू ऐप क्यों नहीं? अब सोर्सेज के हवाले से खबर है कि माई जम्मू ऐप जल्द ही लॉन्च होने वाला है, मगर पहले जम्मू क्यों नहीं, पहले श्रीनगर ही क्यों? ये एक सवाल। उसके अलावा अगर आपको वैष्णो देवी जाना है या आपको अमरनाथ की यात्रा करनी है या आपको श्रीनगर घूमने जाना है या आपको किसी भी जम्मू कश्मीर के हिस्से में जाना है, आपको पहले जम्मू में आना पड़ेगा और जम्मू के टूरिस्ट जो प्लेसेस हैं, जम्मू में जो अलग अलग जगहें हैं उनको देखना पड़ेगा। जम्मू का टूरिज़्म, जम्मू की बात, जम्मू की वो जगहें जो अभी तक लोगों ने देखी नहीं है, इतनी सुंदर सुंदर जगहें, चाहे वो भद्रवाह हो जाए, अभी कुछ दिन पहले श्रीनगर रियासी का चिंका जो बहुत सोशल मीडिया पे जो है फ्लोट करता रहा, ये सब जगहें कौन दिखाएगा और इस सब से रिलेटेड ऐप कब बनेगी? ये सवाल जो है वो होना ज़रूरी है। हमें कोई दिक्कत नहीं है, आपने बहुत अच्छा एक ऐप बनाया और श्रीनगर का टूरिज़्म जो है वो उससे आगे प्रमोट होगा। श्रीनगर में जो टूरिस्ट आ रहे हैं वो उस ऐप का जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, उनको ईज़ मिलेगा। इससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपने जो है वहाँ की म्यूनसिपैलिटी को इसमें इन्वॉल्व किया, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स को इसमें इन्वॉल्व किया, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर आज जो हमारे जम्मू में हुआ, थोड़ी सी बारिश में किस तरीके से जो है वो फ्लोट करने लगी चीज़ें, किस तरीके से पानी भर गया, वो कहाँ? और बड़े सारे जो है ज्ञानी व्यक्तियों ने कमेंट्स किए थे जब
आशीष कोहली जो है मेरे साथ खड़े थे जेके मीडिया से और रिव्यू कर रहे थे कि ये स्मार्ट सिटी है हमारी, है कि नहीं है, चल क्या रहा है। तो तब बड़े सारे व्यक्तियों ने कहा कि ये 30 मिनट के बाद जो है वो पानी गायब हो जाएगा। मैं आपकी जो है समझ और आपकी जो है इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूँ, अभी भी सिदड़ा के वो इलाके, नगरोटा के वो इलाके हैं जहाँ पर पानी अभी भी जमा है। आपके 30 मिनट शायद अभी तक पूरे नहीं हुए हैं, वहाँ पे पानी अभी भी जमा है। ये है स्मार्ट सिटी की हकीकत। इसी पे जो है वो हम बात कर रहे थे और लोगों ने अपना ज्ञान देना शुरू कर दिया। जब भी कोई हम स्टोरी करते हैं तो देख लेते हैं कि स्टोरी के बाद क्या हो सकता है या स्टोरी से पहले का क्या कॉजेज हैं, क्या रिप्रिकॉशन जो है हमें उठाने पड़ेंगे। हम पूरा नाप तोल के जो है स्टोरी करते हैं, मगर कमेंट आपका करना जो है, राय रखना आपका हक है, आप रखते हैं, मगर सोच के थोड़ा आप भी रखा कीजिए। हम जम्मू की बात कर रहे हैं और जम्मू पे ही फोकस कर रहे हैं। ये माई जम्मू ऐप जो है जम्मू में क्यों लॉन्च नहीं हो सकता? मैंने सोर्सेज के हवाले से टॉप ऑफिशियल से बात करने की कोशिश की कि कोई आइडिया है कब तक लॉन्च हो जाएगा। उन्होंने कहा बात चल रही है मगर अभी ऐसा कोई नहीं है कि जल्द ही कोई माई जम्मू करके ऐप लॉन्च हो जाए। इधर की सर्विसेज कब क्लब होके एक ही ऐप में आपको मिलेंगी और आप उनका जो है आनंद उठा सकते हैं। जो यहाँ पर टूरिस्ट आएगा वो उससे ईज ले सकता है, यहाँ का जो है लोकल व्यापारी है उससे, उसको इससे बेनिफिट हो सकता है। ये कब होगा? माई श्रीनगर ऐप इज देयर बट जेके यूटी में अभी भी जम्मू जो है वो भेदभाव का सामना कर रहा है। यूटी बनाने से कुछ नहीं होगा, लोग फोकस जम्मू पे करें, सोच बदलें तो कुछ होगा। स्टेट को यूटी बनाने से, जम्मू को अलग स्टेट बनाने से कुछ नहीं होने वाला है। ये विभाग जो है, ये जम्मू और श्रीनगर जो विभाग है ये आपस में जुड़ा हुआ है और इन्हें अलग करने से कुछ नहीं होगा, सोच बदलने से बहुत कुछ होगा। मगर सोच ही जो है वो ही बदली नहीं जा रही। मैं क्या बात कर सकता हूँ, छोटा मुंह बड़ी बात। मनोज सिन्हा साहब की जो ऑफिसर्स हैं जो